पिछले कुछ दिनों की बारिश से देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात उत्पन्न होने पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार की नाकामियों को जिक्र करते हुए कहा कि बरसात में मौसम को ध्यान में रखते हुए जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं है। तैयारी न होने के कारण 3 दिनों की बारिश में दिल्ली बाढ़ के मुहाने पर है। इतना ही नहीं, दिल्ली के लोग जलभराव, जाम, दिल्ली की सड़कों में जगह जगह गड्ढों से जूझ रहे हैं। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह बयान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद दिया। उन्होंने यमुना बाजार का दौरा करने के बाद कहा कि दिल्ली की जनता जलभराव से परेशान है, सीवेज की सफाई नहीं होती, सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से बारिश होते ही जलभराव की गंभीर समस्या उभर कर सामने आई। यह दुखद है, मेरी कोशिश होगी कि सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि दिल्ली की जनता को तकलीफें ना झेलनी पड़े। पिछले कुछ दिनों की बारिश से देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात उत्पन्न होने पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार की नाकामियों को जिक्र करते हुए कहा कि बरसात में मौसम को ध्यान में रखते हुए जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं है। तैयारी न होने के कारण 3 दिनों की बारिश में दिल्ली बाढ़ के मुहाने पर है। इतना ही नहीं, दिल्ली के लोग जलभराव, जाम, दिल्ली की सड़कों में जगह जगह गड्ढों से जूझ रहे हैं। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह बयान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद दिया। उन्होंने यमुना बाजार का दौरा करने के बाद कहा कि दिल्ली की जनता जलभराव से परेशान है, सीवेज की सफाई नहीं होती, सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से बारिश होते ही जलभराव की गंभीर समस्या उभर कर सामने आई। यह दुखद है, मेरी कोशिश होगी कि सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि दिल्ली की जनता को तकलीफें ना झेलनी पड़े।